17 बीपीसी के लिए कुल कितने पदों पर वैकेंसी आने वाली है और किन पदों पर कितने सीटों के लिए वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए जो है ना दैनिक भास्कर ने एक आर्टिकल जारी किया है, जो जिन पदों पर जितने सीट्स आने की संभावनाएं हैं इसके बारे में एक आर्टिकल जारी किया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा 17 बीपीसी का एग्जाम जो है ना प्रीलियम्स का एग्जाम हर साल कैलेंडर के अनुसार 30 सितंबर को निश्चित किया गया था, लेकिन इस साल 30 सितंबर को ना होकर 17 नवंबर को होने वाली है, इसके बारे में आप सभी को पता होगा। तो आपको लगभग 2.5 महीना का समय मिला है, जो काफी बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग देखिए, सबसे पहली बात, बीपीसी 70 के लिए कुल कितने पदों की नियुक्ति हो सकती है, कितने वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं, ये दैनिक भास्कर ने यह जारी किया है। आप सभी देख सकते हो दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल आया हुआ है कल के डेट में, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहली बात, देखिए बीपीएससी 70 के लिए लगभग 1230 पदों के लिए वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। जैसे हम लोग पहले भी कई सेशन अपलोड कर चुके हैं, लगभग बने बताया था 1200 से 1500 के आसपास आने की संभावनाएं हैं। ये भी आप देखिए 1230 पदों पर आने की संभावनाएं हैं, तो बहुत बड़ी बात है। हर साल की तुलना में जो है लगभग ये 3 से 4 गुना जो है ना ज्यादा वैकेंसी इस साल आने वाली है, तो इसलिए इतना विलंब हो रही है और आपके लिए बहुत बड़ी मौका है, तो आप सभी लग जाइए। 1230 पद काफी बड़ी पद है ना। तो हम लोग इसमें देखते हैं किन पदों पर कितनी पद नियुक्ति वैकेंसी आने वाली है। देखिए रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर यानी कि आरडीओ के लिए जो 393 वैकेंसी आने वाली है, हर साल आप पिछले साल की तुलना में देख करोगे ना तो हर साल लगभग 393 395 400 के आसपास कुल वैकेंसी आती थी, कुल पदों के लिए सबके लिए 400 पदों के लिए वैकेंसी आती थी, लेकिन इसमें जो ना आरडीओ के लिए 393 सीट्स हैं, काफी बड़ी मात्रा में संख्याएं हैं है ना। उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर में आरओ के लिए 287 पद हैं, बहुत बड़ी बात है 287 पद है, और हम और आप जिसके लिए दिन रात एक कर चुके हैं, जैसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम के पद के लिए 200 वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं भाई, 200 पद है ना, बहुत बड़ी बात है भाई। तो ये एसडीएम के लिए 200 पद आने की संभावना है, 200 वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं, और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी के लिए 130, ये दोनों को बात करें तो लगभग 330 सीट सिर्फ इतने बड़े बड़े पदों के लिए आने की संभावना है। एसडीएम और डीएसपी, बहुत सारों की सपना होती है कि मैं एसडीएम बनूं डीएसपी बनूं, तो उनके लिए बहुत बड़ी मौका है, तो आप सभी लग जाइए भाई है ना। 200 और 130 लगभग 330 सिर्फ इन दोनों पदों पे आने की संभावनाएं हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और प्रखंड पंचायत राज अधिकारी यानी कि बीपीआरओ 75 से 80 की आने की संभावनाएं हैं, और जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीईओ ये 28 से 30 आने की संभावनाएं हैं, और नगर कार्यपालक पदाधिकारी एमईओ ये 58 से 60 आने की संभावनाएं हैं, और आपका जेलर के तौर पर जो है ना ये 50 वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से इतने पदों पर इतने वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं, और कुल पदों की बात करें तो लगभग 1230 पदों आने की संभावनाएं हैं, जो बहुत बड़ी बात है भाई। आप सभी लग जाइए, 2.5 महीना का समय अभी भी है, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख चुके हैं एसडीएम के लिए 200 पद, उसके बाद डीएसपी के लिए 130 वैकेंसी आने की संभावनाएं है भाई, बहुत बड़ी बात है। तो हम सभी के लिए ये जो है ना बहुत बड़ी मौका है, तो हम सभी लग जाते हैं और रेगुलर क्लासेस करते हैं, रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, करंट अफेयर्स के तौर पर हम लोग देखते आ रहे हैं, तो आप सभी जो है ना लग जाइए ठीक है। और मैं बहुत जल्द एक सेशन ला दूंगा जिसमें हम लोग टारगेट बेच यानी कि कितने महीनों में जो ये 2.5 महीनों में कैसे कैसे क्या तैयारी करेंगे, जैसे कि हमारे प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो सके ठीक है। तो ये रहा आज का नोटिफिकेशन, कुल पदों की संख्या 1230 है, तो चलिए हम लोग लग जाते हैं ठीक है। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे, और इसी तरह से जो है ना इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे और क्लासेस रेगुलर अपलोड होती रहती है, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ रेगुलर कोई ना कोई अपडेट करेंट अफेयर्स जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वहाँ पर अपलोड होती रहती है, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।